हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ट्रबल शूटिंग एंड वी विल सी व्हाट आर द वेरियस टूल्स फॉर ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये जो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग है इसकी डेफिनेशन क्या है। कि नेटवर्क ट्रबल शूटिंग इट इज एक्चुअली प्रोसेस बाय विच वी डायग्नोज और नेटवर्क और वी कैन से वी फाइंड इफ देयर आर एनी वी ट्राई टू फाइंड द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स that might hinder the working or functioning of our network. So we say that network troubleshooting is a process of diagnosing and finding the causes of problem in our network. So this whole is called as network troubleshooting. And this network troubleshooting hum karte hain, it is basically done for sake ki bhai hamara jo network hai wo sahi se properly function kare, work kare, usme koi issues hamare paas na aaye. तो हम बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। सो वी मे से दैट इज द प्रोसेस ऑफ डायग्नोजिंग, ठीक है, एंड फाइंडिंग द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास से सपोज वी हैव सर्टेन कॉजेस, एंड ड्यू टू दीज कॉजेस वी मे हैव सम प्रॉब्लम्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू फाइंड the ways, ठीक है, क्या कौन से तरीके निकालने हमें टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली अवर ट्रबल शूटिंग दैट वी मे हैव सर्टन कॉजेज एंड ड्यू टू दोज कॉजेज वी मे हैव सम प्रॉब्लम इन अवर नेटवर्क एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर troubleshooting that we have to find the causes of the problems or we have to diagnose our system. The second part of troubleshooting is that we have to find the ways or we have to overcome using certain mechanism hame un problems ko dur karna hai so that ultimately jo hamara network hai it should work properly, network works properly. So this is the basic idea about कि हमारे पास जो ट्रबल शूटिंग होता है व्हाट इज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ठीक है। एंड ये जो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग हमारे पास होता है इट हैज मेनी स्टेप्स जिनकी थ्रू या जिनकी हेल्प से हम अल्टीमेटली जो हमारा एंड सॉल्यूशन होता है उस पे पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो द स्टेप्स steps involved in network troubleshooting. कौन कौन से होते हैं? So number first one is that we have to find the problem or we can say problem identification. First point. What does this mean? It means that first of all, we should know कि हमारे पास कोई problem है। वो कैसे पता चलता है हमारे पास कि हमारे system में या अगर हमारा network है network में बहुत सारे systems हैं उनमें problem है। It is usually with the help of certain questionnaires या जो हमारे पास reviews आ जाते हैं users से। Suppose for example, अगर हमारे पास 10 systems हैं, ठीक है? We may have system number 1, 2, 3, 4 5 so on to 10 systems in our network. अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ये 10 systems 10 users के पास है तो अलग अलग यूजर्स से हम टाइम टू टाइम या तो वहीं से वो रेस्पॉन्स करता है हमें, वहीं से टाइम टू टाइम हमें बताता है कि उसे क्या इश्यूज आ रहे हैं अपने नेटवर्क में, या हम ही उसे टाइम टू टाइम यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर सपोज हमने 1 से भी क्वेश्चन पूछे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, एंड वो जो क्वेश्चन होते हैं दोज आर यूजुअली कॉल्ड एज क्वेश्चनियर। कि कुछ क्वेश्चन हम सेट करते हैं तो वही क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं उनसे, उससे क्या हेल्प हमें मिलता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई किस यूजर को कौन सी प्रॉब्लम या जो यूजर्स हमारे पास है उनको वाकई में कोई प्रॉब्लम हो भी रही है या नहीं। अब अगर हमारा जो क्वेश्चनियर है डिपेंडिंग ऑन दैट क्वेश्चनियर अगर हमारे पास रेस्पॉन्स आ रहा है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर जो वी कैन से जो हमने सोचा कि ऐसा ही हमारा हमारे पास
उनका आंसर आएगा, उनका जवाब आएगा. इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन अवर नेटवर्क. तो पहली चीज है दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से इज दैट वी हैव टू सी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो प्रॉब्लम पहली है, कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सो वी कैन से इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट, कि कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, तो उस चीज को हम कहते हैं क्या, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि पहले हमें पता चल जाता है यूजिंग सर्टेन क्वेश्चनियर्स वगैरह. ठीक है, मूविंग ऑन, जो सेकंड पार्ट होता है, देयर आर वेरियस स्टेप्स. सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट फाइंडिंग. What is fault finding? Now we may say, for example, sometimes when we visit our doctor, ठीक है, पहले what why we visit a doctor? Because हमें लगता है कि जो हमारी body है it's not functioning or working as per it should have, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि that there is some sort of problem in our body, that is called as problem identification. The next step is that we have to find what sort of problem we have. ठीक है, सो वी आर नाउ सेइंग दैट देयर माइट बी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर नेटवर्क. नेटवर्क में है प्रॉब्लम दैट, से सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फाइल सेंड करनी है, फाइल तो सेंड होती है, कौन सी फाइल सेंड होती है, मैं पीडीएफ फाइल्स ट्रांसफर करता हूँ, पीडीएफ फाइल्स में कोई इशू नहीं होता है, वो आराम से ट्रांसफर हो जाती है. बट वेन एवर आई हैव सम इमेज देयर इज सम प्रॉब्लम, वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो रही है. या व्हेनेवर आई हैव सम डॉक्यूमेंट्स विद डॉक एक्सटेंशन, ठीक है, दैट मींस वर्ड फाइल्स वगैरह हैं, वो अच्छे से ट्रांसफर हो रही है. बट अगर मेरे पास कोई ऐसी फाइल है जिसका जो एक्सेल फाइल है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है, या फिर सपोज मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, डॉट पीपीटी फाइल है, वो फाइल अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो रही है. ठीक, पहले वाले हमने देखा कि कोई ना कोई इशू है. अब नाउ वी आर ट्राइंग टू सी कि भाई किस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट फाइंडिंग, जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास. अब ये फॉल्ट फाइंडिंग भी कैसे हम करते हैं, नो डाउट हियर अगेन वी यू नो प्रोवाइड सर्टन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनियर वगैरह हम इनको दे देते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो चेक करता रहता है सिस्टम. अगेन दिस मे बी सिंगल यूजर प्रॉब्लम और इट मे बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अवर होल नेटवर्क. डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज द आउटकम, या जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे क्वेश्चनियर का, वो रिस्पॉन्स कैसा है. सो वी कैन से नाउ जो फॉल्ट फाइंडिंग है, इट इज नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, कि किस टाइप की प्रॉब्लम है. पहले हमने बोला प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है. वी कैन से व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसफरिंग ऑफ वीडियो फाइल्स है, अपलोडिंग ऑफ लार्ज डेटा है, जिनका साइज ज्यादा है फाइल्स का, उनमें प्रॉब्लम आ रही है. कभी कभार से सपोज फॉर एग्जांपल दीज डेज हम क्या करते हैं, वी टेंड टू हैव ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ठीक है, due to this pandemic. So what we do whenever we have online classes, we may say that when the faculty or the concerned teacher वो हमें video lecture या online lecture दे रहे हैं, उसकी जो voice है वो अच्छे से आ रही है, but जो video quality है वो blurred हो रही है, या वो break होके आ रही है हमारे पास, ठीक है. So that means we have now identified the problem, that problem is in the video, not in the audio. That means we can request to the concerned faculty, सर, टीचर या मैम, कि हमें आप ऑडियो लेक्चर ही दीजिए, क्यों, वीडियो में हमें प्रॉब्लम होती है. दैट इज कॉल्ड एज कि नेचर क्या है प्रॉब्लम का. ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव नाउ थर्ड स्टेप इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ नेटवर्क. थर्ड स्टेप इज फॉल्ट आइसोलेशन. दिस फॉल्ट आइसोलेशन सेज दैट नाउ
वी नो दैट वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट प्रॉब्लम और व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी हैव, हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है. अब नंबर तीन है, ये प्रॉब्लम हमारे नेटवर्क में कहाँ पर है, ठीक है. और नेटवर्क में भी ह्यूज, इट में भी इन लॉर्ज हॉल और इट में भी इन बिल्डिंग ऑल्सो और इट में भी कैंपस. तो उसमें हमें ये पता करना है कि इस सारे नेटवर्क में हमारी जो प्रॉब्लम है ये कहाँ पे रेज हो रही है, ये या जो ये इश्यू है ये हमें कहाँ पे आ रहा है. दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट आइसोलेशन, दैट वी हैव टू नाउ फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू वी कैन से उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें अब एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है. एग्जैक्टली वी से कि भाई हम डॉक्टर के पास गए क्योंकि हमें पता था कि बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है. सेकंड थिंग वॉज कि हमने डॉक्टर डॉक्टर ने बोला भाई हाँ भाई आपको, या हमने उसको बोला कि हमें पेन है. नाउ डॉक्टर विल से कि कहाँ पे, वेदर इन ए नी, इन ए आर्म, इन द नेक, इन ए बैक. दैट इज कि भाई उसे अब इलाज करना है, उसे उस चीज को ओवरकम करना है या उसके लिए उसे प्रिस्क्रिप्शन देना है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है. तो उसे पता चलना चाहिए पहले कि मुझे किस एरिया पे इलाज करना है. सिमिलरली जो हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, कि अगर हमारे पास अब नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो यूजर को या जो हमारे नेटवर्क में इशू आ रहा था वो किस जगह पे इशू आ रहा है, ठीक है. देयर आर वेरियस वी कैन से मैकेनिज्म ऑल्सो फॉर फॉल्ट आइसोलेशन या यूजली फॉल्ट फाइंडिंग, उससे जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फॉल्ट एक्चुअली कहाँ पे है. फिर अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूजर ए यहाँ पे है, ठीक, और बाकी सारे यूजर्स भी कनेक्टेड हैं, और मुझे किसी डेस्टिनेशन विच इज एट सम अदर प्लेस, ये नेटवर्क एक है, ये मेरा नेटवर्क है, नेटवर्क वन, दिस इज नेटवर्क टू, नो डाउट मैं नेटवर्क वन में इजिली हर एक के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क टू के पास जब मुझे ट्रांसफर डेटा करना था, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इशू. अब ये इशू कैसे मैं देखूंगा, फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल ट्राई टू फाइंड कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे एक कनेक्टिंग डिवाइस है इन द फॉर्म ऑफ अ राउटर, इन द फॉर्म ऑफ अ स्विच और इन अदर, ठीक है, तो उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है. सेकेंडली ये जो डेस्टिनेशन बी है हमारे पास, इट मे ऑल्सो बी कनेक्टेड टू सम राउटर, तो हम देखेंगे क्या ये मेरे साइड से राउटर में प्रॉब्लम है या उस डेस्टिनेशन बी के साइड से राउटर में प्रॉब्लम है, या मैं ही यहाँ पे प्रॉब्लम है. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन बिटवीन ए एंड दिस राउटर वन, ठीक है, सो लेट मी नेम इट एज आर वन, राउटर वन, एंड दिस इज आर टू. अब जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हो रही है, क्या वो प्रॉब्लम एट द स्टेप वन है विच इज फ्रॉम ए टू द राउटर वन, क्या वो प्रॉब्लम आर वन और आर टू के बीच में है, लेट इट बी डिजिग्नेट नंबर टू, क्या वो टू पे है वो प्रॉब्लम, क्या वो प्रॉब्लम आर टू और बी के बीच में है, दैट इज थ्री. तो अब यहाँ देखना है प्रॉब्लम किस वाली जगह है, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट आइसोलेशन. वो कैसे हम यूज करते हैं, हम देखेंगे क्या मेरा ए और आर वन का कनेक्शन है आपस में, क्या मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ आर वन से, अगर ये सही है देन इट इज ओके, आई विल लीव दिस सेगमेंट, मैं उसके बाद जाऊंगा आर वन और आर टू के पास, क्या आर वन आर टू के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, इफ इट इज ट्रू ओके, एंड अल्टीमेटली आई विल सी क्या आर टू जो हमारे पास बी के साथ है वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इशू देन दैट मीन्स नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, और वो प्रॉब्लम कहाँ है, दैट प्रॉब्लम इज बिटवीन आर टू एंड बी, दिस इज कॉल्ड एज फॉल्ट आइसोलेशन. दैट मीन्स we have now found the actual location of the problem, ki bhai problem kis area mein hai, this is called as fault isolation. And iske baad jo hamare paas hai number 4, that is called as fault removal. bhai fault ko remove karna hai. ab no doubt this fault removal, और जब हमने फॉल्ट देखा, फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह देखा, देयर माइट बी टू कैटेगरीज ऑफ फॉल्ट, ठीक है, जो हम रिमूवल के बाद टाइम पे बात कर रहा हूँ, नो डाउट इट मे हैव कम अप एट फॉल्ट फाइंडिंग स्टेप, ठीक है, कि मेरे पास हो सकता है ये जो फॉल्ट मुझे अब रिमूव कर रहे हैं, मुझे पता चला ना फॉल्ट कहाँ पे है, अब मुझे वहां पे देखना है जहां पे मैंने आइसोलेट किया है कि ये फॉल्ट ड्यू टू हार्डवेयर है या ड्यू टू सॉफ्टवेयर है. समटाइम्स इट मे बी कि राउटर में कुछ खराबी है, समटाइम्स इट मे कि नहीं राउटर में तो ठीक है, लेकिन जो राउटर का ड्राइवर है, जो उसका सॉफ्टवेयर अपना, उसमें कुछ इश्यू है. दैट मीन्स अब हमें फॉल्ट रिमूवल के टाइम पे, क्योंकि मुझे दूर करना है ना, किस चीज के लिए दूर करना है, बिकॉज
ट्रबल शूटिंग कहता ही था भाई, आप पहले कॉज देखो, कॉज देखने के बाद नेसेसरी स्टेप्स ले लो उन कॉजेस को दूर करने के लिए, सो दैट मेरा नेटवर्क जो है वो आराम से परफॉर्म करे, फंक्शन करे, ठीक है, ऑप्टिमली फंक्शन करे। तो उस चीज के लिए अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास हार्डवेयर बेस्ड हो सकता है, जो हमारे पास फॉल्ट आया, और आई मे हैव ए फॉल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का मेरे पास फॉल्ट आया है, तो उसी हिसाब से मुझे रिमूव करना है। इफ इट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड देन यूजुअली वी मे या और द सॉफ्टवेयर मे नीड अपडेशन, और वी मे री इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि भाई नीड कैसी है हमारे पास, या तो मैं री इंस्टॉल कर सकता हूँ या तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। सिमिलरली इन केस ऑफ हार्डवेयर वी टेन टू यूजली सी कि भाई मैं उसे थोड़ा वी कैन से जो कनेक्शन वगैरह है, आई टेन टू डू टाइटनिंग ऑफ द कनेक्शन, केबल्स वगैरह चेक करता हूँ सही से वो पोर्ट्स में है कि नहीं है। देन अगेन मैं पहले चेक करता हूँ, अगर वो उससे इशू रिजॉल्व नहीं होता है देन जो हम क्या करते हैं, हम हार्डवेयर को बाहर निकालते हैं, या उस सॉफ्टवेयर पार्ट को बाहर निकाल के ये देखें कि क्या रेस्ट ऑफ द नेटवर्क अच्छे से चल रहा है कि नहीं, सो दैट हम ये पता चले कि भाई हाँ की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम थी। अब अगर हार्डवेयर पार्ट है तो आई मे टेक दैट हार्डवेयर पार्ट फॉर द टाइम बींग आउट ऑफ दैट नेटवर्क, और सी कि उसके बगैर और उस डिवाइस के बगैर क्या सारा नेटवर्क चल रहा है सही से। इफ इट इज ओके देन दैट मीन्स इसी हार्डवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब उस हार्डवेयर में अगर प्रॉब्लम है, इज इट वी कैन से रिपेयरेबल, अगर रिपेयरेबल है देन इट इज ओके, वी कैन रिपेयर दैट हार्डवेयर, अगर रिपेयर करने के बाद हम रीइंस्टॉल करेंगे उसी हार्डवेयर को। इफ इट इज नॉट रिपेयर देन वी मे परचेज ए न्यू वन, और हम नया उसमें लगाएंगे हार्डवेयर, और फिर हम देखेंगे कि भाई नेटवर्क में क्या इश्यू आ रहे हैं, या इश्यू है भी अब है या नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से फॉल्ट रिमूवल के टाइम पे हम जो कॉजेज हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, अगर हार्डवेयर बेस्ड है वी मे रिपेयर और वी मे यूज ए न्यू वन डिपेंडिंग ऑन अवर यू नो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑल्सो। एंड सॉफ्टवेयर में हम ये कर सकते हैं, या तो हम रीइंस्टॉल कर सकते हैं सारा का सारा सॉफ्टवेयर, और वी मे अपडेट इट, समटाइम्स अपडेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दैट हमारा जो फंक्शन सॉफ्टवेयर है वो सही से चल पाए। तो इस इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉल्ट रिमूव करते हैं। फॉल्ट रिमूव करने के बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेप है, एंड दिस इज अ वेरी नेसेसरी स्टेप इन केस ऑफ यू कैन से ट्रबल शूटिंग, दैट इज इट सेज दैट वी हैव टू डू अ फाइनल टेस्टिंग। फाइनल टेस्टिंग सेज दैट वंस जब भी आप सॉरी जो हमने स्टेप्स हैं वो अच्छे से ले लिए, रिमूवल भी कर लिया, उसके बाद आपको अगेन एक बार टेस्ट करना जरूरी है, जिससे आप श्योर हो जाओ कि भाई जो आपने स्टेप्स लिए थे या फॉल्ट रिमूवल के लिए जो आपने काम किया है वो उस वही एक्चुअली फॉल्ट था, या कुछ और फॉल्ट भी है। समटाइम्स वी मे चेंज द अडॉप्टर, से सपोज फॉर एग्जाम्पल राउटर का अडॉप्टर खराब था, मैंने राउटर का अडॉप्टर चेंज कर दिया और मैंने आगे मैसेज कर दी यूजर को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को, हाँ भाई सर अब सब कुछ अब ठीक है, अडॉप्टर में प्रॉब्लम थी मैंने अडॉप्टर चेंज कर दिया, लेकिन जो ही मैं वापस जा रहा हूँ 5 मिनट के बाद ही मेरे पास कॉल आ जाता है, भाई नहीं नेटवर्क में अभी भी कुछ इशू है। दैट मीन्स हमने उस टाइम क्या किया, हमने फाइनल टेस्टिंग नहीं की, मे बी उस राउटर जो हमने अडॉप्टर चेंज किया था राउटर का, उसके बगैर मे बी देयर माइट हैव सम प्रॉब्लम विद द राउटर ऑल्सो, जो हमने चेक ही नहीं किया। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या है कि वी हैव टू डू फाइनल टेस्टिंग, ठीक है। फाइनल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वी से कि सारे कनेक्शन वगैरह सही से हैं जुड़े हुए कि नहीं, सारे कनेक्शन सही से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, जो हमने फॉल्ट रिमूव किया आफ्टर रिमूवल, वेदर जो हमारे पास नेटवर्क है वो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन नॉर्मली कि नहीं, वेदर नेटवर्क वर्क्स और फंक्शंस नॉर्मली और प्रॉपरली आफ्टर फॉल्ट रिमूवल, जो फॉल्ट हमने रिमूव किया उसके बाद क्या ये सही से काम कर भी रहा है या नहीं, जो कनेक्शन वगैरह है, क्यों, क्योंकि कई बार हम फॉल्ट रिमूव कर करते करते दूसरे किसी कनेक्शन को भी लूज कर देते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू टाइटन द कनेक्शन ऑल्सो, टाइटन द कनेक्शन, चेक क्या हमें जो ट्रांसमिशन मीडियम है वहां से निकल रहा है उसको भी चेक करेंगे हम, बाकी सारी जो हमारे पास वहाँ सॉफ्टवेयर है मे बी अगर उसमें कुछ सॉफ्टवेयर है विल सी कि भाई फॉल्ट तो हार्डवेयर में था लेकिन जो हमने ड्राइवर डाला वो आउटडेटेड था, नहीं भाई आप उसको भी अपडेटेड यूज करो ना, आप क्यों आउटडेटेड यूज करो, दैट मीन्स वी नीड टू यूज द अपडेटेड सॉफ्टवेयर फॉर दैट राउटर से सपोज और दैट डिवाइस। तो क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें
अल्टीमेटली क्रॉस चेक करनी है, विच विल कम इन लास्ट फेज ऑफ दिस ट्रबल शूटिंग विच इज कॉल्ड एज फाइनल टेस्टिंग, दैट कि भाई अब हम पहले कष्ट करेंगे जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम इंसर्ट करेंगे अब, या वो हार्डवेयर हम रिमूव करने के बाद नया हार्डवेयर डाल रहे हैं, नया हार्डवेयर डालने के बाद हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमारा सारा नेटवर्क अब सही से चल रहा है या नहीं, इफ इट इज ओके या सारा नेटवर्क परफॉर्म कर रहा है नॉर्मली प्रॉपरली, देन वी कैन से दैट वी हैव डन द ट्रबल शूट ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो वेरियस स्टेप्स आर टू बी इंक्लूडेड इन दिस फाइनल टेस्टिंग स्टेप, तो जिसके बाद हम अल्टीमेटली कह सकते हैं दैट द फाइनल और द ट्रबल शूटिंग हैज बीन डन. ठीक है, तो ये तो था कि ट्रबल शूटिंग होना क्या है. ठीक है, तो सिमिलरली वी मे हैव मेनी टूल्स दैट आर देयर फॉर ट्रबल शूटिंग. ठीक है, सो वी मे से जो ट्रबल शूटिंग टूल्स, ट्रबल शूटिंग टूल्स और यूजुअली इन केस ऑफ विंडोज वगैरह या इन केस ऑफ जो हम अभी ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, इन दैट केस देयर आर सर्टन कमांड्स, कुछ कमांड्स हम यूज करते हैं जिनके हेल्प से हम ये देखते हैं कि भाई हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसे फिर नो डाउट नेक्स्ट स्टेप्स बाकी स्टेप्स में उन्हें दूर करना है. फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डायग्नोज, जो हमने कहा डेफिनेशन के हिसाब से, एंड फाइंड द कॉजेस. तो कैसे पता चलेगा कि डायग्नोज वगैरह हम कैसे करते हैं, विद हेल्प ऑफ सर्टन कमांड्स. कौन कौन सी कमांड हम यूज करेंगे या देखेंगे, नंबर फर्स्ट कमांड इज वी मे यूज आईपी कॉन्फिग. अभी मैं ये सारी कमांड्स यूज करके आपको दिखाऊंगा. फर्स्ट कमांड दैट इज आईपी कॉन्फिग, सेकंड कमांड दैट विल यूज दैट इज कॉल्ड एज पिंग, नंबर थर्ड इज विल यूज ट्रेस रूट. दीज कमांड्स आर फॉर विंडोज, फॉर लाइनेक्स और यूनिक्स देयर आर सर्टन वेरियंट, जैसे आईपी कॉन्फिग का है इफ कॉन्फिग, इस ट्रेस रूट का है, यहां लिखा मैंने ट्रेस आरटी, बट इन केस ऑफ लाइनेक्स वगैरह वी हैव टी आर ट्रेस रूट विद फुल स्पेलिंग ऑफ रूट. ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास विंडोज में है ट्रेस रूट के बाद वी हैव रूट फॉर फाइंडिंग द राउटिंग टेबल, वी मे हैव नेट स्टैट. ठीक है, या एनएस लूप, इट स्टैंड फॉर नेम सर्वर लुकअप. ठीक, एंड नंबर सिक्स वन इज वी मे हैव नेट स्टैट, इट यूज द स्टेटस ऑफ अवर नेटवर्क. ठीक है, कि नेट, सॉरी इट इज नेट स्टैट. ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स हैं जो हम देखेंगे, फाइव कमांड्स इन केस ऑफ और विंडोज, जिनके हेल्प से हम देखेंगे कि भाई जो हमारा ट्रबल शूटिंग है ये हम कैसे कर पाते हैं. सो नाउ लेट्स मूव, अब हम इनको इन कमांड्स को करेंगे, और ये कमांड्स हम कैसे यूजुअली इंप्लीमेंट करते हैं, ऑन कमांड प्रॉम्प्ट. नाउ लेट मी टाइप सर्टन कमांड्स और स्क्रीन पे देख सकते हैं. द फर्स्ट कमांड है दैट इज आईपी कॉन्फिग. जब मैं एंटर कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं. ठीक है, लाइक यहां पे आप देखोगे पहला सबसे विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, इथरनेट अडाप्टर, इथरनेट वगैरह, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास जो आ रहे हैं. ठीक है, तो इन सब को आप देखेंगे वगैरह बहुत सारे. अल्टीमेटली जो लास्ट सेकंड लास्ट आ रहा है वायरलेस लैन अडाप्टर, ये जो है इसमें आप देखोगे इसमें सर्टन इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ये जो 1, 2, 3 एंड 4 सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास विजिबल हो रही है. और वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वी मे हैव भाई लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, इफ आई वी आर यूजिंग IPv6 तो मेरा एड्रेस क्या होगा, सिंस आई एम यूजिंग IPv4 वो भी दे रहा है 192.168.0.103.
तो ये 103 मेरा एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है मेरा, सबनेट मास्क, ऑल दी थिंग्स, सबनेट मास्क वगैरह, आईपी एड्रेस वगैरह, ये मैंने अदर जो मेरा दूसरा एक वीडियो था उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह वी हैव गेटवे विच इज 192, दैट मीन्स जो राउटर मेरा है उसका आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास, दैट इज 192.168.0.1 है, तो वो मेरा गेटवे है। बाकी जो सारे अडाप्टर्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इसी जो हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो यही होती है, ठीक है, कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, सिंस वी आर यूजिंग डीएचसीपी, डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, कि मुझे रन टाइम पे आईपी एड्रेस वगैरह मिल रहा है। तो यूजुअली इन दिस केस इट विल बी द सेम, बिकॉज ये मुझे आईएसपी ने प्रोवाइड किया होगा और आईएसपी ने मुझे प्रोवाइड किया होगा ये स्टैटिकली, ठीक है। तो अब अगर ये जो हमारे पास ये चार जो इन्फॉर्मेशन होती है यूजुअली दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे पहले पता चलना चाहिए मेरा आईपी एड्रेस वगैरह क्या है, मेरा फिजिकल एड्रेस वगैरह क्या है, बाकी एड्रेसेस क्या है। तो उस चीज के लिए मैं लिखूंगा आईपी कॉन्फिग। इसी का एक इसी आईपी कॉन्फिग का एक वेरिएंट है विच इज आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। उस टाइम पे सारे जो हमारे पास, नो डाउट आप देखेंगे पहले लाइन में लिखा है इथरनेट अडाप्टर कॉर्ड, उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सेकंड लाइन इज वायरलेस लैन अडाप्टर कॉर्ड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी है। खाली कॉन्फ़िगरेशन किसी दी है वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई विच आई एम यूजिंग करेंटली, तो उसकी इसने कॉन्फ़िगरेशन दी है, उसकी इसने कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर मुझे बाकी सारे जो अडाप्टर इसमें लगे हुए हैं उन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल यूज इफ सॉरी आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, जो भी अडाप्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। तो आप जब हम क्लिक करेंगे यू विल सी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड होगी, ये देखिए यहां से मैं इसको कर रहा हूं आईपी कॉन्फिग ऑल, तो फर्स्ट वन जो विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन है जो ऊपर ब्लैंक आ रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या आ रहा है, डेस्कटॉप का नाम वगैरह आ रहा है। सिमिलरली जो मेरा वाईफाई का आ रहा था, लेकिन वाईफाई यहाँ अब हम इसके थोड़ा सा, दिस इज माय सेकंड अडाप्टर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, फिजिकल एड्रेस दे रहा है उसका। फिर वायरलेस लैन अडाप्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी फिजिकल एड्रेस वगैरह दे रहा है, दिस इज मैक एड्रेस यूजुअली, हाँ जो हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। तो इसी तरह लैन जो मैं अभी जिसका मुझे वाईफाई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन अब उससे एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिजिकल एड्रेस इससे पहले नहीं दे रहा था, अब फिजिकल एड्रेस भी दे रहा है यहाँ पे, वो जो लिखा है वो 0C5415 वगैरह, ये सारा इसका फिजिकल एड्रेस है। देन डीएचसीपी एनेबल्ड जो मैं अभी कह रहा था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यस, बाकी सारी चीजें भी हैं, और लास्ट मॉडिफाइड लीज ऑब्टेन, ठीक है, कब से कनेक्शन वगैरह है, कब से मैं जुड़ा वगैरह हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। 1530 विच इज 1530 मीन्स 330 अराउंड, एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए गेटवे एंड डायनेमिक सर्वर हमारा एक ही है। देन वी हैव ये जो डीएचसीपी 6 हमारे पास, डीएनएस सर्वर जो हमारे पास है वो भी है। यू विल सी ये सारे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अपार्ट फ्रॉम इसके नीचे इथरनेट कार्ड अडाप्टर भी है, ब्लूटूथ जिसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं हो सकते हैं अदर डिवाइसेस, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ठीक है, जो इससे पहले नहीं दी हुई थी। इससे पहले आईपी कॉन्फिग ने मुझे एक ही इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपने स्क्रीन पे, अगर मैं करूंगा क्या आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, ठीक। नाउ इन ऑर्डर टू क्लियर द स्क्रीन आई राइट सीएलएस, ठीक है, अब मुझे पता चला मेरा जो आईपी एड्रेस है दैट इज 103 लास्ट में। Now, second thing is that I might use a command which is called as ping. It actually means a short sort of a message. हमने TCP/IP में पढ़ा था, जो मैंने वीडियो में एक डिस्कस किया हुआ है, that we have certain messages, ICMP messages, IGMP messages. तो उनमें हमें echo message, echo request और echo reply message आती है. तो that is in the form of a ping. Usually जब मैं ping लिखूंगा, it will prompt, it will tell me कि भाई options दे दो, क्या क्या देना है. Dash T टारगेट कौन सा है, डैश ए कोई एड्रेस स्पेसिफिक है, डैश एन मीन्स काउंट कि भाई मुझे कितनी बार कोशिश करनी है, इसी तरह डैश एल मीन्स साइज, जो मैं पैकेट भेजूंगा किसी को मैसेज भेजने के लिए तो उसका मैक्सिमम साइज वगैरह क्या होता है, यूजुअली इट समटाइम्स गिव्स द डिफॉल्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज के लिए एक मैसेज लिखता हूँ, आई राइट पिंग देन स्पेस से सपोज 198.162.0.1 जो कि मेरे राउटर का एड्रेस है, मैं देखता हूं कि क्या मैं राउटर के साथ जुड़ा हूं, विच एक्चुअली मैं अभी हूं, तो
तो मैं देख रहा हूँ कि क्या इसके साथ क्या मैसेज आ रही है। इन दैट केस यू विल सी कि बाय डिफॉल्ट ये जो है हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, इट इज सेइंग पिंगिंग, किसको पिंग कर रहा है, इसी एड्रेस को जो मैंने लिखा है विच इज माई टारगेट, ठीक है। तो उसमें मैंने 32 बिट्स भेजी है, और कितनी बार भेजी है, 4 बार भेजी है। जो 32 है दिस वॉज माई ये जो एल है डैश एल, इसे इस साइज की जो मैं सेंड बफर साइज है, मैं बफर जो मैं फ्रेम भेज रहा हूँ इसका साइज कितना है, 32 बाइट्स का है, ठीक है। सिमिलरली ये जो मैं नंबर ऑफ ट्राइज है वो मैं कितनी बार कर रहा हूँ, 4 बार है ना। रिप्लाई मैसेज 4 टाइम यहाँ नीचे दिए हुए हैं, 4 बार रिप्लाई मैसेज है। दैट मीन्स मैंने यहाँ से इको 4 बार किया, उसने वहां से 4 बार किया। इट मे इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, कि हम इसका एन का साइज कितना दे रहे हैं और एल का साइज कितना दे रहे हैं। इट मे इंक्रीज, ये जो लोवेस्ट है यहाँ पर लोवेस्ट दे रखे हैं बाय डिफॉल्ट कि 4, ये बाय डिफॉल्ट भेजता है 4 बार मैसेज, और हर मैसेज का इको मैसेज का साइज कितना होता है, 32 बाइट्स। एंड टाइम इज राउंड टाइम 3305, इट इज इन मिली सेकेंड्स। TTL जो हमने फ्रेम में देखा, दैट इज टाइम टू लिव, कितनी देर ये इसमें पैकेट में रह सकता है या नेटवर्क में जिंदा रह सकता है। सिमिलरली ये जो हमारे पास पिंग, मैंने आईपी एड्रेस दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये 4 आती है। तो इसके बगैर आप बहुत सारे ऑप्शन भी यूज कर सकते हो विच आर गिवन ओवर हियर। तो ये सारे ऑप्शंस भी आप इसके साथ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला एन काउंट, ठीक है, कि कितनी बार करेगा पिंग, यूजुअली बाय डिफॉल्ट 4 बार जो मैंने आपको दिखाया यहाँ, 4 मैसेजेस, और यूजुअली जो साइज है एल जो इसने कहा, ठीक है, वो 32 है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट कमांड जो मैंने टाइप किया है दैट इज ट्रेस रूट, ये देखने के लिए कि जो मैं आईपी एड्रेस इसके बाद दे रहा हूं या जो टारगेट दे रहा हूं उस तक पहुंचने के लिए इसे कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ रहा है, उस चीज के लिए आई विल टाइप ट्रेस रूट, ठीक है। तो इसने यहाँ पे दिया मुझे, ठीक है, ट्रेस रूट किसके लिए मैं रूट दे रहा हूँ, मेरे राउटर के लिए। मैंने कहा ना कि 192.168.0.1 जो मेरा है ये मेरा राउटर का एड्रेस है, ठीक है। तो मैक्सिमम 30 हॉप्स मीन 30 जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस है वहां तक ये जाएगा, वहां तक का ये जो रूट है वो कैच करेगा, ठीक है। अगर मैं इसी स्क्रीन को क्लियर करूं CLS, मैं फिर से लिख रहा हूँ ट्रेस रूट, लेकिन किस चीज के लिए, नाउ हियर दिस टाइम आई विल गिविंग एन आईपी एड्रेस 8.8.8.8 जो यूजुअली गूगल का रहता है। तो यू विल सी कि मुझे इस टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, फेच ही कर रहा है डेटा। बट इन द मीन टाइम लेट अस सी कि ये जो 4 कॉलम्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन इंक्लूडिंग द आईपी एड्रेस, ठीक है, इनका क्या मतलब होता है। जो फर्स्ट वन होता है दैट इज द नंबर, आप देखेंगे सीरियली चल रहा है 1, 2, 3 ऐसे ही चल रहा है, सो दैट इट गिव्स कि भाई रूट कहाँ तक हमने अभी तक लिया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज 1, 2 एंड 3, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम जो है इज एक्चुअली द राउंड टाइम कि भाई जब मैं यहाँ से मैसेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, चाहे मेरी इको मैसेज है या मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो उसे वापस आने तक, दैट मीन्स वी कैन सी फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, जो टू वे टाइम होगा वो कितना लग रहा है इन केस ऑफ मिली सेकेंड, ये 3 बार दिया हुआ है बिकॉज इट विल ट्राई 3 टाइम, ठीक है, 3 बार ये डेस्टिनेशन को, दैट मीन्स मेरा डेस्टिनेशन कौन सा है 8.8.8.8, तो वहां ये पैकेट 3 बार भेजेगा और 3 बार देखिएगा कि मेरे पास टाइम कितना लग रहा है। In first case, it is 1 millisecond less than 1, but in second, you will see it is 5 milliseconds. Then at the second turn, it is only 2 milliseconds and third 2 milliseconds. And finally, जो हमारे पास IP address है, this is key hop जो है, hop का IP address क्या है, या hop का sometimes it gives the location or the name as well. जैसे यहाँ पे पहले केस में दिया हुआ है 192.168.0.1,
ये मेरा राउटर है, मैंने इसे कहा कि गूगल के पास जाओ जाओ आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू माय राउटर, जो मेरा गेटवे है उसके आगे बाद में जाएगा ना ये, दैट्स वाई कि फर्स्ट हमेशा आपका जो गेटवे होगा वो वाला एड्रेस आ जाएगा। एंड सिमिलरली रिलायंस का दूसरा आया मे बी सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये दिखाएगा आप 30, बट फिलहाल ये यहाँ रुक गया है, आप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसे क्लोज किया हुआ फॉर द टाइम बीइंग, यू सी चार इसने दिखाए, बट इट विल गो ओनली अप टू 30 हॉप्स, 30 राउटर्स या इंटरमीडिएट जो हमारे पास सर्वर्स वगैरह होगा वहां तक जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा बिकॉज ये हमें मैसेज वहीं से दे रहा है, ठीक। सिमिलरली वी मे हैव अनदर कमांड विच इज ns lookup www.google.com। ये जो ns lookup है इट इज एक्चुअली नेम सर्वर लुकअप, जो हमारे पास डोमेन नेम सर्वर होता है ना DNS, जहां पे हमारे IP एड्रेसेस का नेम दिया होता है या जो हम नाम देते हैं, ठीक है, जो वेबसाइट्स के नाम वगैरह होते हैं, तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस जो है, बिकॉज इन केस ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क डजंट नो कि नाम क्या है, ठीक है, नेटवर्क ऑलवेज नोज अबाउट IP एड्रेस। जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम में हम जो भी चीज सेव रखते हैं इट नोज ऑनली इन द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वन, सिमिलरली जो नेटवर्क होता है हमारे पास या जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है वो उनको सिर्फ पता होता है IP एड्रेस, दे डोंट नो व्हाट इज गूगल, बट इसी गूगल का कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस हमने एक जगह स्टोर रखा होता है विच इज कॉल्ड एज डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम। तो उसी चीज से ये पता करने के लिए कि भाई गूगल जो है इसका IP एड्रेस क्या है, तो वी राइट ns lookup, देन वी राइट द नेम हमें किसका चाहिए, देन तो क्लिकिंग द एंटर यू विल सी दो मैसेज वहां से हमारे पास आ रही है, वन इज सर्वर अननोन, एड्रेस क्या है उस सर्वर का जो अननोन है 192.168.0.1 विच इज माई राउटर, ठीक है। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे पास, www.google.com, और उसका एड्रेस जो है दो एड्रेस दिए हुए हैं, ठीक है, आई गेस वन इज IPv6 एंड जो दूसरा है दैट इज IPv4। सिमिलरली जो इससे पहले हमने लिखा था, इफ आई राइट ns lookup a.8 then I'll press enter, you'll see here मैंने अब IP एड्रेस इसको यहां से दिया और इसको कहा कि भाई इसका देखो इसका नेम सर्वर नेम क्या है, अल्टीमेटली इट रिटर्न्ड द नेम सर्वर इन द सेकंड लाइन विच इज अगेन DNS जो है .google, दैट मीन इट इज फेचिंग द डेटा फ्रॉम दैट। और मेरे लिए कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरा राउटर, ठीक है, मेरा गेटवे विच इज 192.168.0.1, ठीक है। ये कुछ कमांड्स हैं जो हमें नेटवर्क ट्रबल शूटिंग या ट्रबल शूटिंग टूल्स के लिए काम आते हैं। फाइनली वील सी ए कमांड विच इज कॉल्ड एज netstat, ठीक है, दिस इज यूजली यूज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, कि जो नेट स्टैट है या जो नेटवर्क जो हमारा स्टेटस जो है उसका, जो हमारा सर्वर यूजुअली होता है, या जो इफ आई हैव ए नेटवर्क उसमें हमने कोई सिस्टम जो है उसको सर्वर रखा हुआ है, तो उस सर्वर के साथ यूजुअली या उस नेटवर्क के साथ एट दैट टाइम कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन सब की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव ए कमांड विच इज कॉल्ड एज नेट स्टैट, ठीक है। देयर आर सर्टेन मोर कमांड्स जो आप खुद भी देख सकते हो, उन्हें एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो कि कैसे हमारे पास जो है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की कमांड्स हेल्पफुल हो जाती है इन ऑर्डर इफ वी मे हैव समटाइम्स ट्रबल शूट अवर नेटवर्क। तो बेसिक डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें डायग्नोज करना होता है, वी हैव टू फाइंड द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली वी हैव टू वी ट्राई टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, किस चीज के लिए कि भाई हमारा जो नेटवर्क है इट शुड वर्क प्रॉपरली, तो उस चीज को हम कहते हैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।